भी हमारे नए लड़के हैं वो गैस से ज़्यादा आप लोगों से फ्रस्ट्रेट हो गए। उनको गैस से जितना प्रॉब्लम नहीं उतना उनको अपने मैनेजर से ज़्यादा प्रॉब्लम है, उनको अपने सीनियर से ज़्यादा प्रॉब्लम है। वो सीनियर्स के फ्रस्ट्रेशन के चक्कर में दारू पीना, सिगरेट पीना शुरू कर देते हैं। होटल की ब्रीफिंग इतनी खतरनाक होती है कि आपको आपके कॉलेज के टीचर से उतना डर नहीं लगेगा। जो भी आप ब्रीफिंग जनरली हर शिफ्ट के पहले होती है, बट जो सबसे खतरनाक ब्रीफिंग होती है वो होती है हम ऐसे वैसे सवाल पूछेंगे जो आपको नहीं आता है, और नहीं आने के बाद वो आपकी बेइज्जती करेंगे और बेइज्जती करेंगे सबके सामने। नमस्कार भाई लोगों, कैसे हैं आप? देखिए, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं होटल ब्रीफिंग के ऊपर में। होटल ब्रीफिंग जो है एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हर शिफ्ट पे, जहां पर कि हर शिफ्ट के पहले एक ब्रीफिंग होती है, एक जनरल मीटिंग होती है स्टाफ्स की, मैनेजर्स की, कैप्टन्स की, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी ऑन शिफ्ट स्टाफ होते हैं, और हम उस पर डिस्कस करते हैं अपने पूरे दिन के गेम प्लान को। तो ये जो टॉपिक मैं आपको बताऊंगा, ये आपके कॉलेज में 100% नहीं पढ़ाई जाएगी, बट इसके ऊपर मेरा वीडियो बनाने का मुख्य और मुख्य रीज़न ये है कि आज के डेट में जो ब्रीफिंग का जो कल्चर है इतना ख़राब हो गया है, मतलब कि जो भी हमारा अपना पर्सनल फ्रस्ट्रेशन है, प्रोफेशनल या पर्सनल रीज़न जो भी को लेकर के, हम वो सारा फ्रस्ट्रेशन जो है अपने जूनियर स्टाफ्स के ऊपर में, वेटर्स के ऊपर में, ट्रेनिंग के ऊपर में निकालते हैं, और इसलिए जो इंडस्ट्री है वो बदनाम हो गई है। होटल की ब्रीफिंग इतनी खतरनाक होती है कि आपको आपके कॉलेज के टीचर से उतना डर नहीं लगेगा। जो भी आपके सबसे स्ट्रिक्ट टीचर का क्लास होता है, वहाँ पर भी जाने में आपको उतना डर नहीं लगता होगा जितना कि आपको एक 5-स्टार की होटल की ब्रीफिंग में डर लगेगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा होटल ब्रीफिंग के बारे में, कि ब्रीफिंग में हर शिफ्ट के पहले मैं आपसे क्या क्या सवाल पूछते हैं, क्या क्या जनरली डिस्कशन होता है, और आजकल के जो भी मैनेजर्स हैं, बहुत सारे ऐसे मैनेजर्स और कैप्टन्स हैं, वो पावर का गलत फ़ायदा उठा करके कैसे इस ब्रीफिंग से एक स्टाफ को डीमोटिवेट करते हैं, उसका पूरा का पूरा दिन खराब करते हैं, और अपना प्रोफेशनल और पर्सनल फ्रस्ट्रेशन जो है आप लोगों के ऊपर में निकाल करके इस इंडस्ट्री को बदनाम करते हैं। तो मैं आपको ब्रीफिंग के दो तरीके बताऊंगा। पहला तरीका जो कि गलत है, और 80% होटल में, 90% होटल में वही गलत तरीके से ब्रीफिंग ली जाती है, और एक तरीका मैं बताऊंगा आपको कैसे आप स्टाफ को मोटिवेट करके और अच्छे से ब्रीफिंग ले सकते हैं, ताकि आज जो आपका शिफ्ट है वो अच्छे से चले और आपके स्टाफ जो है वो खुशी से काम करें। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि ब्रीफिंग होती क्या है। देखिए, जैसे कि ब्रीफिंग नाम से ही पता चल रहा है कि किसी भी चीज़ को ब्रीफ करना, मतलब कि संक्षिप्त में बताना, छोटे बताना, उसको हम बोलते हैं ब्रीफिंग। ब्रीफिंग जनरली हर शिफ्ट के पहले होती है, बट जो सबसे खतरनाक ब्रीफिंग होती है वो होती है हमेशा ब्रेकफास्ट शिफ्ट के पहले, नंबर वन, और एक डिनर शुरू होने के पहले। आप सारे डिपार्टमेंट में ऐसा ही कर सकते हैं कि एक बार अर्ली मॉर्निंग और एक बार मिड इवनिंग के बीच में हम ब्रीफिंग करते हैं, और यहाँ पर हम पूरा का पूरा जो दिन है वो डिसाइड करते हैं, और जो पिछले दिन जो भी कंप्लेंट्स वगैरह हुआ है उसके ऊपर हम डिस्कशन करते हैं। अब ब्रीफिंग में कौन कौन अटेंड करता है? देखिए, ब्रीफिंग में जनरली आपके ऑन शिफ्ट प्रेजेंट जितने भी स्टाफ होंगे वो ब्रीफिंग में खड़े रहेंगे, उसके साथ में आपके कैप्टन्स, मैनेजर्स, कभी कदार एचओडीज वगैरह भी आते हैं और ब्रीफिंग में घुस जाते हैं और बातचीत करते हैं। देखिए, अभी मेरा तो क्या है कि मैं इस इंडस्ट्री में बहुत दिन से हूँ, मैंने बहुत ब्रीफिंग वगैरह ली है, तो मैं हमेशा नए लड़कों को, जो भी कैप्टन्स बन गए हैं या जो नए मैनेजर्स बन जाते हैं, उनको भी मैं मौका देता हूँ कि बॉस तुम भी एक काम करो कि तुम भी आज से ब्रीफिंग लो और सीखो कि ब्रीफिंग ली कैसे जाती है। लेकिन देखिए, ब्रीफिंग को आज के डेट में इतना ज़्यादा टफ बना दिया है, मतलब ब्रेकफास्ट शिफ्ट के पहले हमारी ब्रीफिंग है, हमने सब स्टाफ को बुलाया। अब यहीं से शुरू होता है उनका एटीट्यूड। वो क्या करेंगे कि बेटो, हाँ भाई, हाँ बेटा, लाइन में लग जा, अब सबको लाइन में लगा दिया, हाँ सर्विस गियर निकाल, इस तरह का लैंग्वेज शुरू हो जाता है वो पहले से। तो अगर जो वेटर जो नया इस इंडस्ट्री में है, वो पहले ही देखेगा कि मतलब बॉस कैसे बातचीत हो रही है, मतलब दे विल नॉट लाइक इट फ्रॉम द फर्स्ट ग्लैंस कि अरे वो यहाँ पर तू तड़ाक वाली बात जो है वो शुरू हो चुकी है, हाँ बेटा वो निकाल, लाइटर दिखा, पेन दिखा, स्क्रिबलिंग पैड दिखा, वहीं से उनको फ्रस्ट्रेशन जो है वो करना शुरू कर दिया। अभी ब्रीफिंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होती है वो बोलते हैं कि हमें कल का सेल बताओ, ठीक है, YTD बताओ, मतलब ईयर टिल डेट, पूरे साल से लेके अभी तक का कितना सेल हुआ, MTD बताओ, मतलब मंथ टिल डेट, मतलब पूरे इस महीने का अभी तक का कितना सेल हुआ। और अगर गलती से किसी भी वेटर ने नहीं बताया, या गलती से किसी भी कैप्टन ने या स्टीवर्ड्स ने नहीं बताया, और अगर वो जो मैनेजर है वो फ्रस्ट्रेटेड है अपनी ज़िंदगी में, तो वो पूरा का पूरा गुस्सा जो है वो आपके ऊपर निकाल देगा, क्या तेरे को पता नहीं है, अच्छा इतनी छोटी सी बात नहीं आती है, हम तेरे ज़माने में ये करते थे, वो अपनी डींगे जो है वो हाँकना शुरू कर देगा, और यहाँ पर गाली गलौज, माँ बहन, तू तड़ाक सब होगा, और जो वेटर्स जो हैं वो बेचारे फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, क्योंकि उनको अभी पूरा का पूरा दिन निकालना है। यहाँ पर तो मैनेजर को आधे घंटे या कैप्टन को आधे घंटे आपकी बजा करके निकलने, उनको उतना काम नहीं करना है, लेकिन जो भी ऑन फ्लोर स्टाफ है उनका जो मोटिवेशन लेवल है यहीं पर ख़त्म हो जाता है। ब्रीफिंग में जो तीसरी चीज़ हम डिस्कस करते हैं वो हम करते हैं हमारा
कल का कोई कंप्लेन हुआ कि नहीं कंप्लेन हुआ, अगर कोई कंप्लेन हुआ तो हम उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। बट अगेन यहाँ पर अगर किसी वेटर्स ने बेचारे ने गलती से कोई कंप्लेन कर दिया कि हाँ हमने पनीर के जगह पे चिकन सर्व कर दिया था, या हमने कोई गेस्ट का कंप्लेन हैंडल नहीं किया, या कोई गेस्ट कंप्लेन लिख के चला गया, तो इस पर जो मैनेजर्स हैं वो वेटर्स को बहुत गंदे तरीके से बजाते हैं और सबके सामने बजाते हैं कि तेरे को पता नहीं है, यू आर नॉट फिट फॉर दिस इंडस्ट्री, यू शुड लीव द जॉब, पता नहीं मेरे को कहाँ कहाँ से ऐसे वेटर ला के दे देते हैं, यू शुड गो एंड वर्क इन बैंक्वेट्स, तुम यहाँ पे काम करो, यू डोंट डिजर्व दिस प्लेस, इट्स अ 5-स्टार होटल। तो यहाँ पर जो स्टाफ को है वो इतना डीमोटिवेट कर देंगे कि स्टाफ का जो कॉन्फिडेंस लेवल है बिल्कुल ही घटिया हो जाएगा और कम हो जाएगा। ये तीसरी चीज़ है। चौथी, देखिए मैं आपको ब्रीफिंग का सही तरीका भी बताऊंगा। चौथी चीज़ जो हम ब्रीफिंग में डिसाइड करते हैं वो होता है ड्यूटी एलोकेशन। अब ड्यूटी एलोकेशन क्या होता है कि हाँ तुम सेक्शन ए में रहोगे, तुम बार में रहोगे, तुम बैक एरिया में रहोगे, तुम बैक बुफे में रहोगे, तुम फलाने में रहोगे, तुम ढिकाने में रहोगे। हमने अपना जो स्टाफ अलॉटमेंट है वो कर दिया और करने के बाद हम निकल गए। निकलने के बाद किसी किसी की ड्यूटी साइड सेशन वगैरह पे लग गए कि हाँ तुम साइड सेशन देखो, तुम मेन्यू वेन्यू देखो, एंड देन द शिफ्ट स्टार्ट्स। तो यहाँ पर इस ब्रीफिंग में तो मैंने आपको ऐसे बताया, बट ब्रीफिंग में कभी कभी ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगे, अगर आपके मैनेजर्स को आपको बजाना है तो वो ऐसे ऐसे सवाल पूछेंगे कि हाँ बता कल का स्टॉक कितना था, अच्छा इसमें ये क्या हुआ, वैसे वैसे सवाल पूछेंगे जो आपको नहीं आता है, और नहीं आने के बाद वो आपकी बेइज्जती करेंगे और बेइज्जती करेंगे सबके सामने। तो स्टाफ जो है वो डीमोटिवेट ऑब्वियसली होगा और इस इंडस्ट्री को कोसेगा। तो आप मेरी बात हमेशा याद रखिए कि ये जो इंडस्ट्री है जितना गेस्ट से नहीं बदनाम है ना, उतने अपने सीनियर्स मैनेजर्स से, अपने HODs से, अपने कैप्टन से, जो भी लड़के नए नए नायक अनिल कपूर बनते हैं एक दिन वाले CM, वो जो है अपना पूरा का पूरा फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं अपने जूनियर स्टाफ्स के ऊपर में। तो ये मैंने आपको बताई ब्रीफिंग कि अभी नए तरीके से ब्रीफिंग कैसे होती है। मेरा तरीका क्या है ब्रीफिंग करने का, मतलब मैं कोई 30 मार खान नहीं हूँ, लेकिन मैं जो हूँ ब्रीफिंग कैसे करता हूँ, और मैं हमेशा अपने सारे स्टाफ्स को, हमेशा अपने मैनेजर्स को यही बताता हूँ कि आपको ऐसे ब्रीफिंग करनी चाहिए। सबसे पहले मैंने स्टाफ को बुलाता हूँ, उनको आराम से लगाता हूँ कि मैं बोलता हूँ हाँ भाई वेटर्स एक साइड में लग जाओ, कैप्टन से एक साइड में आ जाओ, मैनेजर से एक साइड में आ जाओ, अपने जो ट्रेनीज हैं एक साइड में जाओ, उनको हम उनके डेजिग्नेशन के हिसाब से लग जाते हैं। सबसे पहले मैं मुस्कुराता हूँ और पूछता हूँ गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जो भी टाइम है, विश करता हूँ कैसे हो, क्या हाल चाल है, अच्छा खाना खाया कि नहीं, ब्रेकफास्ट किया कि नहीं, किसी हिसाब से हल्की फुल्की बातचीत कर ली, थोड़ा एक दो मजाक कर लिया, मजाक करने के बाद यू नो द ब्रीफिंग स्टार्ट्स। सबसे पहले जो मेरा सवाल होता है कि मैं पूछता हूँ कि बॉस सर्विस गियर देखो, सर्विस गियर मैं कभी भी किसी भी स्टाफ को पूरा का पूरा निकाल कर नहीं देखने के लिए बोलता हूँ। मैं कभी किसी से बोलता हूँ कि तुम लाइटर दिखा दो, कभी किसी से बोलूँगा कॉक्स्क्रू दिखा दो, कभी किसी को बोलूँगा कि तुम पेन दिखा दो, यू नो जस्ट फॉर अ रैंडम चेक, बिकॉज मुझे भी पता है कि जो वेटर्स होते हैं वो बड़े जुगाड़ू लोग होते हैं, वो इधर उधर से जुगाड़ करके अपना काम कर देते हैं। आइडियली आपके पास होना चाहिए सारा सर्विस गियर, बट वी लीव इट समटाइम्स, और हम कर सकते हैं, हम देख लेते हैं कि हाँ मतलब ठीक है, उस एक लाइटर नहीं रहने के लिए मुझे माँ बहन की गाली दें, दैट इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। तीसरी चीज़ जो मैं करता हूँ, मैं पूछता हूँ कि ठीक है MTD YTD और कल का सेल बताओ। अगर किसी को मुँह जुबानी याद नहीं है, देखिए हम लोग कॉलेज में नहीं है कि हमें पढ़ करके उसको एग्जाम में लिखना है, मैं बोलता हूँ कि अगर आपको याद नहीं होता है तो आप उसको लिख लो स्क्रिबलिंग पैड के ऊपर में, और अगर मैं तुमसे पूछूं कि अच्छा YTD क्या चल रहा है, मतलब ये डेट, तो तुम स्क्रिबलिंग पैड से देखो और बताओ। स्क्रिबलिंग पैड से अगर देख के तुमने मुझे बता दिया, मतलब यू आर पास, तुमको मैं कुछ बोलूंगा नहीं, लेकिन अगर तुमने स्क्रिबलिंग पैड पे भी नहीं लिखा है, इसका मतलब यू आर केयरलेस, एंड देन यू डिजर्व सम काइंड ऑफ स्कोल्डिंग, एंड देन यू डिजर्व सम काइंड ऑफ ट्रीटमेंट। तीसरा हम डिस्कस करते हैं कि कंप्लेन हुआ था। देखिए कंप्लेंट्स तो ऐसी चीज होती है कि इसको हम कभी भी, कोई दवा बनी ही नहीं कि हम कंप्लेंट्स, अगर हम कोई इंसान बोले कि नहीं आप मुझे हायर करो मैं कंप्लेंट नहीं होने दूंगा, तो ऐसा कोई इंसान है ही नहीं जो सवाल पूछेगा कि ठीक है कल को क्या कंप्लेंट हुआ था। किसी ने बोला कि हाँ सर किसी गेस्ट का जो खाना था वो डिले हो गया था, एंड देन दैट गेस्ट वाज शाउटिंग, और बाद में उसको हमने डिस्काउंट वगैरह दिया, ये हुआ वो हुआ। अब मैं उस कंप्लेन की जड़ में घुसूंगा, क्योंकि एक कंप्लेन आज अगर उस XYZ वेटर से हुई है तो कल को किसी और वेटर से हो सकती है। तो मैं उस कंप्लेन को निकालूंगा, कंप्लेन क्यों हुई पहले उसका रीजन पता करूंगा, उसको कैसे अवॉइड किया जा सकता था, हमने गेस्ट को एज अ गेस्ट रिकवरी क्या किया, और सबके सामने बताऊंगा, रैदर देन स्कोल्डिंग द स्टाफ एंड रैदर देन डीमोटिवेटिंग देम, हम उसको एक केस स्टडी बना के सबको बताएंगे कि अगर इन फ्यूचर किसी दूसरे स्टाफ के पास भी ऐसा सिचुएशन आता है तो एटलीस्ट आज कंप्लेन नहीं हो और वो जो स्टाफ है वो आराम से उस कंप्लेन को हैंडल कर ले, या उसको जो भी तरीका बताया गया था वो एग्जैक्टली वो प्रोसेस फॉलो करे, ताकि जो कंप्लेन है वो मिनिमाइज की जा सके या अवॉइड की जा सके। नेक्स्ट में हम क्या करते हैं, ड्यूटी एलोकेशन कर देते हैं, जैसा कि मैंने बताया आपको थोड़ी देर पहले, और मैं जो हमेशा ड्यूटी एलोकेशन करता था या करता हूँ वो हमेशा रोटेशनल करता हूँ। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं किसी बंदे को हर दिन पिकअप पे ही डाल रहा हूँ या हर दिन किसी को बैक एरिया पे ही डाल रहा हूँ, मैं
रोटेट करते रहता हूँ सारे स्टाफ को इधर से उधर, ताकि उनको पूरे के पूरे रेस्टोरेंट का जो है वो आइडिया हो। किसी भी स्टाफ को आप एक ही जगह महीनों तक छोड़ दोगे तो वो एक कंफर्ट जोन में पहुंच जाते हैं। तो कंफर्ट जोन सबसे बड़ा वीकनेस है किसी भी स्टाफ का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। तो मैं हमेशा उनको कंफर्ट जोन से निकाल निकाल के इधर उधर करते रहता हूँ। अगर कोई एक ऐसा स्टाफ है जो ढीठ है, जो रिपीटेटिव है, तो ऑब्वियसली आप उनको सजा दीजिए। अगर किसी को मेनू नहीं याद है, पहले प्यार से समझाइए, नहीं तो उनसे मेनू लिखवाइए, अपॉलोजी कीजिए। सो मेनी थिंग्स, HR है आपके पास, आपके पास ट्रेनिंग डिपार्टमेंट है। रैदर दैन यू सेइंग देम माँ बहन, रैदर दैन यू अब्यूजिंग देम, स्टार्ट यूजिंग योर ब्रेन। जो भी नए मैनेजर्स हैं बॉस, देखो जितने भी हमारे नए लड़के हैं वो गेस्ट से ज़्यादा आप लोगों से फ्रस्ट्रेट हो गए। उनको गेस्ट से जितना प्रॉब्लम नहीं उतना उनको अपने मैनेजर से ज़्यादा प्रॉब्लम है, उनको अपने सीनियर से ज़्यादा प्रॉब्लम है। वो सीनियर्स के फ्रस्ट्रेशन के चक्कर में दारू पीना, सिगरेट पीना शुरू कर देते हैं। तो गेस्ट जितना परेशान नहीं कर रहा है इस इंडस्ट्री में, उतना मेरे ख्याल से मैनेजर्स और वेटर्स ने, मैनेजर्स और कैप्टन्स ने परेशान करके रखा है। तो मेरी हाथ जोड़ के आप लोगों से विनती है कि अपने छोटे छोटे जो नए लड़के आ रहे हैं होटल मैनेजमेंट करके, सपने लेकर के, उनके सपनों को चूर मत कीजिए। स्टार्ट ट्रीटिंग देम लाइक गुड। विवेकानंद जी ने कहा है, ट्रीट द वे यू वॉन्ट टू बी ट्रीटेड। अगर आपको गालियाँ सुनना पसंद नहीं है तो आप दूसरों को गालियाँ मत दो। बट बॉस, इस इंडस्ट्री में रहिए, ये इंडस्ट्री बहुत अच्छी इंडस्ट्री है, और इज्जत से बात कीजिए। प्रोफेशनल लोग हैं हम लोग, एंड वी विल रॉक इन दिस इंडस्ट्री। मेरा नाम आनंद मिश्रा है। अगर आपने अभी तक मेरे इस वीडियो को देखा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, शेयर कीजिए इस वीडियो को सारे मैनेजर्स के साथ, सारे कैप्टन्स के साथ, वेटर्स के साथ, ताकि हम लोग जो है आगे बढ़ करके एक अच्छी इंडस्ट्री बनाएं और इसे बदनाम होने से रोकें। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।